तो हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुरा है। आप लोग मुझे ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़ के अंदर देख रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर अपन एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट को देखेंगे, वेदर एंड क्लाइमेट को इंट्रोड्यूस करेंगे, समझेंगे वेदर एंड क्लाइमेट क्या चीज़ है, उसके मल्टीपल अलग अलग एलिमेंट्स क्या हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं आपकी और मेरी डेली लाइफ्स के अंदर, है ना। उसके अलावा और भी बाकी सारी बेसिक चीज़ों को समझेंगे बहुत ज़्यादा आराम से, लॉजिक के साथ में, स्टोरी फॉर्मेट के अंदर समझेंगे। कुछ भी अगर डाउट हो, जो भी ऑनलाइन देख रहा है उसको अगर कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम के अंदर लिख देना, जो कोई भी बाद में यूट्यूब के ऊपर देखेगा वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकता है। इससे पहले अपन ने एटमॉस्फेयर की कुछ बेसिक समझ लिए हैं, एटमॉस्फेयर के अलावा स्ट्रक्चर वगैरह ये सब देख लिया है। जिस किसी ने भी ये सारा पार्ट नहीं देखा, यूट्यूब से कवर करो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। यूनिट थे, अच्छा एक मैं आपको इसके अंदर डिस्क्लेमर दे दूं कि जैसे मेरे जो वीडियोस हैं अभी तो ठीक है, ये लाइव क्लासेस को स्टार्ट करे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कल जैसे वीकली का टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो कल के लेक्चर के अंदर अपन डेली जो जो आज अपन ने पढ़ा है वो तो अपन रिवाइज करेंगे ही करेंगे, प्लस वीकली भी रिवाइज करेंगे जो एक हफ्ते पहले पढ़ा था। इसी तरीके से जब आगे चलेंगे, जब मंथलीज आएंगे तब मंथली को भी रिवाइज करेंगे, ठीक है, उसी चीज़ को वापस से रिवाइज करेंगे। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन इज़ द की, ठीक है। और इसके ऊपर अपन बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, तो मैं अपनी क्लास के अंदर ही रिविजन करवाऊंगा। उसके अलावा आपको बाद में जाके जो है बुक वगैरह नोट्स वगैरह उसको पढ़ो, और आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जो है काम चोरी मत करना। वीडियो देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि भाई पैसिवली बैठ के वीडियो देख रहे हो, साथ में आपके नोट्स वगैरह आप बनाते चलो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यूनिट 3, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट समझने से पहले अपन ये समझते हैं कि व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट, ये वेदर और क्लाइमेट आखिर चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो वेदर इज नथिंग नथिंग बट द एवर चेंजिंग फिनोमेनाज और एवर चेंजिंग एटमोस्फेयरिक कंडीशंस, जो रोज़ाना आपके और मेरे एटमॉस्फेयर के ऊपर, जिस एटमॉस्फेयर में अपन रहते हैं उस एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन्हें अपन वेदर कहते हैं, समझ में आया। वही चेंजेस अगर एक लंबे टाइम तक रह जाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं क्लाइमेट, समझ में आया। तो वेदर का मतलब होता है कि जैसे आज बारिश हो रही है, ठीक है, आज धूप है, आज ठंड है ना, तो वॉट इज दिस, दिस इज वेदर, ठीक है, आज बादल हो रहे हैं, ठीक है, ये सब वेदर है। वहीं क्लाइमेट क्या चीज़ है कि यहाँ पर तो नियरली रोज ही बारिश होती है, समझ में आया, पिछले 35 सालों से बारिश हो रही है। तो जो 35-50 सालों का जो ये जो एवरेज कंडीशन होती है, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन वेदर जो है क्लाइमेट कहते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो वेदर इज एवर चेंजिंग एटमोस्फेयरिक कंडीशंस एंड क्लाइमेट इज एवरेज कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट चीज आती है, तो फिर इन वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस वेदर एंड क्लाइमेट। इस वेदर और क्लाइमेट के अगर आप एलिमेंट समझें, इस वेदर और क्लाइमेट के अगर आप एलिमेंट समझे तो टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 7 एलिमेंट्स होते हैं। और उन एलिमेंट्स को अपन बिल्कुल सिंपल लॉजिक के साथ में, बिल्कुल सिंपल वे के अंदर, उसी सीरीज के अंदर कंप्लीट करेंगे जिस सीरीज में बुक में दे रखा है, बट बुक में उसका एक इस तरीके से जो है स्टोरी नहीं बनाई, जो स्टोरी मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर वेदर है, वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है, इनके कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि जो वेदर एक टाइम पर है, ठीक है, लंबे टाइम तक है, दैट इज नथिंग बट क्लाइमेट, ठीक है, तो एलिमेंट्स भी कॉमन होंगे। सबसे पहली चीज आती है हीट और इंसुलेशन, तो यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, हीट और इंसुलेशन। हीट और इंसुलेशन के बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बस हीट और इंसुलेशन याद रखना है। हीट और इंसुलेशन के बाद हीट से क्या चीज़ होती है भाई, गर्मी से क्या चीज़ होती है, टेम्परेचर होता है, समझ में आया। तो टेम्परेचर आएगा नेक्स्ट चीज़, टेम्परेचर से रिलेटेड मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था प्रेशर, ठीक है, इसीलिए वहां पे प्रेशर समझाया था, एक बेसिक आपको आइडिया दिया था कि कैसे टेम्परेचर और प्रेशर रिलेटेड है ना। तो टेम्परेचर और प्रेशर यहां से जुड़ गए, तो हीट, हीट के बाद हीट से क्या आ रहा है, टेम्परेचर, टेम्परेचर से क्या आ रहा है, प्रेशर, प्रेशर से और क्या चीज बनती है, प्रेशर से अपन ने देखा था विंड और ड्राफ्ट बन रहे थे, है ना। व्हाट इज विंड, विंड क्या चीज होती है, विंड का मतलब होता है जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हवा, एयर जो है वो मूव करती है, कैसे, हॉरिजॉन्टली, है ना, हॉरिजॉन्टली, तो उसे अपन क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। वहीं अगर वर्टिकली जाती है तो उसे टर्बुलेंस या फिर ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है, ये सब तो अपन ने देख लिया। विंड के बाद एक चीज बनती है जिसे अपन बोलते हैं क्लाउड्स, क्या बोलते हैं, क्लाउड्स, है ना, ठीक है, नहीं ह्यूमिडिटी, बीच में एक ह्यूमिडिटी रह गया, ठीक है। तो विंड जो है ह्यूमिडिटी लेकर आती है। यहां पर देखो एक कंसेप्ट समझाता हूं आपको,
किस किस ने ऑन शोर और ऑफ शोर विंड्स के बारे में सुना है? ऑन शोर एंड ऑफ शोर विंड्स, और किस किस को लगता है कि मॉनसून एक सीजन का नाम है? ठीक है, तो ऑनशोर और ऑफशोर विंड्स अभी बताता हूं मैं। उससे पहले मॉनसून किसी सीजन का नाम नहीं है, बल्कि मॉनसून जो है इंडिया का जनरल क्लाइमेट है। क्लाइमेट मैंने आपको बताया कि जो बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड तक रहता है वो क्लाइमेट होता है। तो ये जनरल क्लाइमेट है, इसका क्या मतलब होता है? मॉनसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, न कि सीजन, समझ में आया? या फिर बारिश, मॉनसून को अक्सर कहते हैं कि मॉनसून आ गया, बारिश आ गई, ऐसा नहीं है, मॉनसून हमेशा ही रहता है यहाँ पे, समझ में आया? ठीक है, मॉनसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, कभी विंड्स आ रही है कभी विंड्स जा रही है, ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं मॉनसून। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑनशोर और ऑफशोर विंड्स का क्या कंसेप्ट होता है। ये अपना इंडिया है ना, यहाँ पर कहीं इक्वेटर है, और मॉनसून की जो विंड्स है वो कुछ इस तरीके से चलती है, यहाँ से आती है और इस तरफ जाती है। अब सभी को पता है कि यहाँ पर जो है अरेबियन सी, इंडियन ओशन वगैरह वाला रीजन है, ठीक है, इंडियन ओशन हो गया है ना, तो ये पूरा रीजन यहाँ पर हो गया, ये अर्थ हो गया। जब भी विंड, याद रखना, जब भी विंड पानी से लैंड के ऊपर जाती है तो उसे ऑन शोर विंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन शोर विंड। शोर, शोर का क्या मतलब होता है? ये शोर होता है ना, ठीक है, कोस्ट, एक तरीके से आप कह लो कोस्ट को शोर कहते हैं। तो जब भी विंड कोस्ट के ऊपर आती है पानी से, उसे ऑन शोर कहेंगे। इसी का उल्टा क्या होगा? जब भी विंड वापस लैंड से पानी की तरफ जाएगी, उसे ऑफ शोर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑफ शोर कहेंगे। तो जब भी, बेसिक लॉजिक लगाना, मुझे एक बात बताना, अगर विंड पानी से ज़मीन की तरफ आ रही है तो क्या वो अपने साथ पानी कैरी करके नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो पानी कैरी करके अगर आएगी तो पानी के साथ में क्या चीज़ होगी? प्रेसिपिटेशन होगा। क्या होगा? व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेन, स्लीट, हेल, ड्रिजल वगैरह 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 वगैरह। रेन मतलब बारिश, स्लीट वगैरह वो उसके अलग अलग टाइप्स हैं, उनको भी अपन बाद में समझेंगे, ठीक है, वो आएगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी वगैरह के अंदर आएगा। तो ह्यूमिडिटी, विंड के बाद कौन सी चीज़ आएगी? ह्यूमिडिटी आएगी। हीट और इंसुलेशन समझ में आया? सबसे पहले सन है भाई, सन से पहले और क्या चीज़ है? सबसे पहले सन आ गया, सन से क्या चीज़ आ रही है? सन से जो है हीट एंड इंसुलेशन आ रहा है, हीट एंड इंसुलेशन की वजह से टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं, प्रेशर की वजह से जो है विंड बह रही है, एक प्रेशर से दूसरे प्रेशर की तरफ विंड जा रही है ना, और ये विंड जो है अपने साथ में ह्यूमिडिटी लेकर आ रही है, ठीक है। अब जब ये विंड अपने साथ में ह्यूमिडिटी लेकर आएगी तो इस ह्यूमिडिटी से क्या बनेंगे? क्लाउड्स बनेंगे, समझ में आया? ठीक है, क्या बनेंगे? क्लाउड्स बनेंगे, बादल बनेंगे, ठीक है, और इन बादलों से क्या चीज होगी? इन बादलों से वापस जो चीज होगी उसे अपन कहेंगे प्रेसिपिटेशन। तो अब मुझे बताओ कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट क्या क्या होते हैं? हीट और इंसुलेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन, खत्म हो गए, समझ में आया? एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट खत्म हो गए ना, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट इतना अपन ने सिंपली लॉजिक के फॉर्म में यहां पे कर लिया, ये कहां काम में आएगा? ये पूरी की पूरी क्लाइमेटोलॉजी में काम में आएगा, और पूरे के पूरे प्रिलिम्स के अंदर या मेंस के अंदर कहीं भी काम में नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पूरा का पूरा जो प्रिलिम्स और मेंस है इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब जो क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट, बट डायरेक्टली क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं आने वाला है। ऐसे नहीं पूछेंगे कि भाई एलिमेंट्स इसमें से क्या, कौन कौन सा एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट है या नहीं है, समझ में, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन जब तक आपको एक मैप समझ में नहीं आएगा, आप एक जगह पे खड़े हैं और आपको नहीं पता है कि आप किस जगह पे खड़े हैं, तो आप कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे कि भाई आगे कहाँ जाना है, समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए अपन को एक मैप समझने के लिए ये एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट हेल्प करते हैं कि अपन इन सारी चीज़ों को पूरे पूरे क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। दिस इज नथिंग बट द समरी ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, समझ में आया? यही है क्लाइमेटोलॉजी पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखो हीट की अगर अपन बात करें, सबसे पहले यहाँ पे हीट देखा अपन है, तो फर्स्ट अपन एलिमेंट से शुरू करते हैं, डैट इज हीट। हीट की अगर अपन बात करें तो हीट का सोर्स क्या है? अगर वीडियो क्लियर नहीं हो तो बता देना ना, ठीक है, कुछ भी इश्यू हो ऑडियो में, वीडियो में, किसी भी चीज़ में तो बता देना। चलो हीट की अगर अपन बात करें, और जो मैं ऐसे क्वेश्चंस वगैरह पूछता हूँ तो वो इसके अंदर लिखा करो आप लोग, है ना, चैट में यहाँ पे लिख दिया करो ग्रुप में। ऑलराइट, हीट की अगर अपन बात करें, हीट का सोर्स क्या है भाई? क्या होगा? अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट सन है, और क्या है? समझ में आया? अब जो सन जो हीट लाता भी है वो हीट किस फॉर्म में लाता है? तो वो इंफ्रा रेड वेव्स के फॉर्म में लाता है। लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर एक पार्ट विजिबल जो है लाइट का कहलाता है, जिसे अपन विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं?
देखो इनको वापस वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर जो है आप लोग नए नए देखते रहते हो, तो उसके अंदर आपको मतलब बहुत ज़्यादा इशू नहीं हो, ठीक है। तो विबग्योर कहते हैं, ठीक है। और विबग्योर के अलावा कुछ जो है इनविजिबल पार्ट होता है, जैसे ह्यूमन आइज देख नहीं सकती, जिसके अंदर एक्सरे आ जाती है, गामा रेज आ जाती है ना, गामा रेज के अलावा इंफ्रारेड वेव्स आ जाती है, रेडियो वेव्स आ जाती है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो है रेज आ जाती है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑलराइट, तो वहाँ पर अपन ने अल्ट्रा वायलेट वगैरह के बारे में समझा था, अब अपन इंफ्रारेड के बारे में समझेंगे। सन की जितनी भी हीट एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो किस फॉर्म में आती है, वो सारी की सारी इंफ्रा रेड वेव्स के फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है, इंफ्रा रेड वेव्स के फॉर्म में आती है। कल को आरएएस में, ठीक है, एमपीपीएससी में, या फिर यूपीपीएससी में, या फिर ऐसे किसी के अंदर अगर एक क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कोई और वन डे एग्जाम में, छोटे वन डे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो सनलाइट है या फिर सन की जो हीट एनर्जी है वो किस फॉर्म में आ रही है, और ये आपको तीन चार अलग अलग ऑप्शंस दे दिए, तो आपको किस पे टिक करना है, इंफ्रा रेड पे टिक करना है, समझ में आप, ठीक है। तो इंफ्रा रेड वेव्स के फॉर्म में आती है। नाउ ये जो इंफ्रा रेड वेव्स के फॉर्म में आती है, इसे ही अपन कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन या फिर इंसोलेशन, समझ में आया। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग आने वाली सोलर, सूरज की, और रेडिएशन मतलब एक गर्मी, रेडिएशन के बारे में भी डिटेल में वापस और पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप ये समझो गर्मी का एक तरीका, ठीक है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज इंसोलेशन। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अब ये जो इंसोलेशन है, इस इंसोलेशन को किसी तरीके से मेजर भी किया जाता होगा, भाई अपन इंसान है, अपन दिमाग को भी मेजर करने के पीछे पड़े हुए हैं, आत्मा को मेजर करने के पीछे पड़े हैं, भगवान को मेजर करने के पीछे, तो इंसोलेशन को तो करा ही होगा, बिल्कुल करा है। इंसोलेशन को मेजर करने के अपन ने काफ़ी सारे तीन चार अलग अलग वो चीज़ें निकाल रखी, यूनिट्स वगैरह निकाल रखी है, बुक के अंदर भी एक टेक्निकल सी यूनिट दे रखी है, ठीक है। बट अपन उन सब के अंदर उतरेंगे नहीं, क्योंकि कहीं पर भी डायरेक्टली ये सब पूछने वाले नहीं है कि इतना पार्ट पर मिलियन या फिर इतना इस जगह पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अपन को बस एक बेसिक जो वन डे एग्जाम या फिर छोटे कुछ एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये चीज़ आ सकती है, या फिर यूपीएससी के अंदर अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो वो मल्टी स्टेटमेंट या फिर एक बड़े स्टेटमेंट के अंदर आएगी। एक बड़ा स्टेटमेंट होगा अपने आप में तीन चार लाइन्स का, है ना, एक ही स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट के अंदर कहीं पर एक जगह पे ये पॉइंट डाल देंगे कि जो इंसुलेशन है उसे लैंगली में मेजर किया जाता है, यहाँ पर ये आईआर वगैरह ये चीज़ आ जाती है, ये चीज़ आती है, ऐसे ऐसे दो तीन जो है लाइन्स एक साथ होंगी, और फिर आपको बताना होगा कि ये सही है या गलत है, समझ में, उसमें से करेक्ट ढूंढेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज ये हमेशा याद होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, बाकी हर कुछ पढ़ते हुए नहीं चलना है, बिल्कुल स्मार्ट वर्क करेंगे, वही पढ़ेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। लैंगली, तो इसे किस में मेंशन किया जाता, इसे किस में मेजर किया जाता है, इंसुलेशन को लैंगली में मेजर किया जाता है, ठीक है। एंड व्हाट इज, हाउ मच लैंगली डू वी रिसीव, वी रिसीव 1.95 लैंगले पर मिनट, समझना, हर मिनट 1.95 लैंगले ऑफ इंसुलेशन हम जो है रिसीव करते हैं। ये कहाँ पर रिसीव करते हैं, तो ये एट द टॉप ऑफ एटमोसफेयर अपन रिसीव करते हैं, जमीन के ऊपर कितना है उसे अभी देखेंगे, ठीक है, ये समझ में आया। नाउ ये जो रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में भी कुछ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, मुझे एक बेसिक बात बताना, इंसोलेशन जो है कहाँ से आ रही है, सूरज से आ रही है ना, सूरज के पास तो खूब ज़्यादा एनर्जी है। अपन पढ़ते हैं कि भाई अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सूरज ही है, ठीक है। तो अगर सूरज की जो खूब सारी एनर्जी है, वो खूब सारी एनर्जी उसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज़्यादा होगी, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, इसे समझना, ठीक है। इसे समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड दिस। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी कर्व जो है वो कितनी बार आ रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि भाई जैसे आप जो है कितनी बार मेरे घर पर आ रहे हो, आप जो है कितनी बार क्लास के अंदर रेगुलर हो, आप जो है लेट से कितनी बार छींकते हो, समझ में आया। तो वो सब उन सारी चीज़ों की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कि एक बार, दो बार, तीन बार, एक मिनट में तीन बार, दो मिनट में तीन बार, समझ में आया, ठीक है। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी हुई। अब फ्रीक्वेंसी के अंदर समझो, फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे ऐसे चलती है। अब इस साइन वेव के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, 1, 2 एंड 3। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही कम वेवलेंथ होती है। अगर ये ऐसी कुछ साइन वेव है, ठीक है, तो इस वेव के अंदर क्या चीज़ हो रही है, इस वेव के अंदर अपन को ढंग से पता ही नहीं पड़ रहा है कि एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी कितनी है, खूब सारी फ्रीक्वेंसी है, समझ में। तो इस केस के अंदर इन दोनों वेव्स के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी, वो जो डिस्टेंस है, डिफरेंस नहीं सॉरी, वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी बहुत कम होगा, समझ में। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आराम से समझा रहा हूँ। बुक के अंदर शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ, हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी दे रहा है, वो समझ में नहीं आएगा भाई शॉर्ट वेवलेंथ ये कैसे होता है, लॉन्ग वेव, रटना नहीं है, लॉजिक लगाना है। सन के पास क्या ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है,
अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। लेकिन ये याद रखना, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होने वाली है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का जो है ऐसे मान लो कि भी दुश्मन ही है, ऐसा कुछ भी मान लो, समझ में आया? ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये तो हो गया अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो लेट से एनर्जी कम है, अगर एनर्जी कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो क्या ज़्यादा होगा, है ना, इनवर्ट रिलेशन है, तो क्या ज़्यादा होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, समझ में आया? तो वेवलेंथ ज़्यादा के केस में क्या होगा, एक तो ये चीज़ बन रही थी, एक ये चीज़ बनेगी, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। अब दोनों के अंदर से वेव आपको किसकी मेंशन, वेव आपको किसकी लंबी दिख रही है, बट ऑब्वियसली इसकी लंबी है, समझ में आया? लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है, इसके अंदर ये कितनी बार ऊपर नीचे हो गया, ये जो है लिमिटेड टाइम्स ही हुआ, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी टेरेस्ट्रियल और उसके अंदर समझ में आएगा, इंसुलेशन के अंदर समझ में आएगा, ठीक है, और उसके अलावा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, समझ में आया? इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं मल्टीपल टेस्ट सीरीज के अंदर, और मल्टीपल मल्टीपल बार यूपीएससी प्री वगैरह के अंदर, और भी अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह के अंदर। वहां पे आपको क्या पूछेंगे, वहां पे इस तरीके से पूछेंगे कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो शॉर्ट वेव की है, लॉन्ग वेव की है, ऐसे ऐसे हायर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ चीज डाल देंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ये नहीं कर सकते हो। प्लस जो ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज वो वाला पूरा टॉपिक है, वहां पर भी इसके बारे में डायरेक्ट मेंशन होता है, समझ में आया? ठीक है, तो ये आई होप ये बेसिक लॉजिक आपको समझ में आ गया है। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो अभी बता दो। इसमें कुछ भी डाउट है क्या? ठीक है, एक मिनट यार, ये फोटो डाल रहा हूँ, उसके बाद आगे जब तक आपके कुछ भी डाउट हो तो बताओ। चलो चलो चलो, ऑल राइट, ये समझ में आया? ठीक है, गुड। नाउ रेडिएशन वगैरह ये सब कुछ समझ में आ गया अपन को। अब यहाँ पे बेसिक आप चीज समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हायर द फ्रीक्वेंसी, सॉरी हायर द एनर्जी देयर फॉर हायर द फ्रीक्वेंसी देयर फॉर लोअर द वेव लेंथ। यही चीज है, सूरज है, सूरज के पास एनर्जी खूब ज्यादा है, इसीलिए यहां पर देखो कितनी ज्यादा छोटी वेव लेंथ बन रही है, दिख रहा है कितनी ज़्यादा छोटी वेवलेंथ बनती है, और कितना ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार ये रिपीट हो रही है, समझ में आया? इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो इसी हीट और इंसुलेशन के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं, और इस हीट और इंसुलेशन के अंदर अपन समझते हैं कि कैसे प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ एटमोसफेयर, कैसे जो एटमोसफेयर है वो हीट होता है। अब जब मैंने आपको प्रोसेस, जब मैंने आपको यहाँ पे बेसिक ट्रोपोस्फेयर स्ट्राटोस्फेयर ये सारी चीज़ें बताई थी, तब मैंने आपको समझाया था कि कैसे अर्थ जो है उसके अंदर टेम्परेचर पहले कम होता है, फिर ज़्यादा होता है, फिर कम होता है। उसी चीज़ को अभी उससे रिलेटेड कुछ चीज़ समझते हैं। वहाँ पे अपन ने नॉर्मल लैप्स रेट की बात करी थी। वॉट इज नॉर्मल लैप्स रेट? नॉर्मल लैप्स रेट इज नथिंग बट द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, और वो कितना था, वो था 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर्स, समझ में आया? तो हर 165 मीटर के ऊपर जब अगर आप चढ़ोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर रिपीट कर रहा हूँ, किसी को भी अगर कुछ भी डाउट हो तो फिर भी पूछ लेना। अर्थ, अर्थ की अगर अपन बात करें, लेट से यहाँ पर अर्थ है ना, ये अर्थ का क्या है, लिथोस्फेयर है या फिर सरफेस है। इस लिथोस्फेयर के ऊपर कॉन्टिनेंट भी आते हैं, ओशियंस भी आते हैं, है ना, दोनों चीज़ें आती हैं। अब जो कॉन्टिनेंट और ओशियंस आते हैं, क्या दोनों को इंसुलेशन मिलता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन मिलती है? ऑफ कोर्स मिलती है, तो दोनों को इंसुलेशन मिल रहा है, ऑल राइट, ये भी ठीक है। अब जो इंसुलेशन मिल रहा है, ये इंसुलेशन शॉर्ट वेव का है या फिर लॉन्ग वेव का है? अभी देखा अपन ने शॉर्ट वेव का है, कैसा है, शॉर्ट वेव का है, ऑल राइट, ये भी ठीक है, इसे भी होल्ड करके रखेंगे। नेक्स्ट चीज देखते हैं, अब इस लिथोस्फेयर के अंदर क्या हो रहा है, इस लिथोस्फेयर जो है इस इंसुलेशन की वजह से हीट अप हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट अप हो रहा है, गर्म हो रहा है, क्योंकि वहां से गर्म वेव आ रही है, इसलिए लिथोस्फेयर जो जमीन है और जो ओशियन है, जो पानी है, वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है।
इसके गर्म होने की वजह से ये इन टर्न अपनी कुछ रेडिएशन छोड़ेगा बाहर, समझ में आया? तो उस रेडिएशन को अपन क्या कहेंगे, उसी रेडिएशन को अपन कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, समझ में आया? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या फिर ज़मीनी गर्मी, ठीक है? जो अब ये हिंदी में एग्जैक्टली मुझे पता नहीं यही सही वर्ड है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसे अपने उसमें कन्वर्ट करके समझा रहा हूँ, ट्रांसलेट करके समझा रहा हूँ। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब है जो अर्थ जो गर्मी रिलीज कर रहा है, ठीक है, उसे अपन जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहेंगे। अब यहाँ पे समझना, जो सन है, यहाँ से कुछ कुछ अपनी वेव्स वगैरह लेकर आ रहा है। ये वेव्स कैसी है, शॉर्टर वेव लेंथ की है, ये अपन समझ गए, ठीक है, और हायर फ्रीक्वेंसी की है। अगर हायर फ्रीक्वेंसी की है तो आप इसको इस तरीके से समझो कि आपका एक छोटा भाई है ना, और वो जो छोटा भाई है वो आपके नाक में दम कर देता है नॉन स्टॉप, आपको जो है कुछ कुछ कचर 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 कुछ ना कुछ बोलता रहता है। लेट से ही इज आस्किंग फॉर समथिंग, ठीक है, कुछ भी एक चीज़ वो चॉकलेट की डिमांड कर रहा है। अब वो अगर चॉकलेट की डिमांड कर रहा है, उसने एक बार करा आपने मना कर दिया, उसने दो बार करा आपने मना कर दिया, उसने 100 बार कर दिया नॉन स्टॉप, तो आप बोलोगे ले भाई यार ले ले यार, समझ में आया? ठीक है, उसी तरीके से जो सन है, सन की भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि अपना जो एटमॉस्फेयर है वो उसको रोक नहीं पाता, और ये इसके अंदर ड्रिल थ्रू कर देती है, पास थ्रू कर देती है, समझ में आया? और पास थ्रू करके यहाँ पर ज़मीन पर आ रही है, लिथोस्फेयर पर आ रही है, समझ में आया, सरफेस पर आ रही है। फिर क्या होता है, फिर इसके रिटर्न में मैंने आपको बताया कि अपनी भी कुछ जो है एनर्जी निकलती है। अब अपने अंदर इतना तो दम है नहीं कि भाई अपन सन से अपने आप को कंपेयर कर सकें, तो अपनी जो एनर्जी होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, लॉन्गर वेवलेंथ की होती है, समझ में आया? फ्रीक्वेंसी कम होती है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और इस ज़्यादा वेवलेंथ की वजह से क्या होता है कि ये ड्रिल थ्रू नहीं कर पाते। अगर वो एक बार ही दो बार ही चॉकलेट की मांग करता तो अपन जो है मना करके भगा देते, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, अपन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर ढंग से ड्रिल थ्रू नहीं कर पाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है, वापस से जो है स्पेस के अंदर नहीं जा पाते हैं। और इसके अंदर किसका रोल होता है, इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस का रोल होता है। किसका रोल होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का रोल होता है। अभी तो स्टोरी पढ़ी, अब इसी को टेक्निकल फॉर्म में समझते हैं। क्या हो रहा है, जो शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशन है वो अंदर आ रही है, जो लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन है वो बाहर नहीं जा पा रही है। यही है ग्लोबल वार्मिंग, समझ में आया? ठीक है, यही है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग अपने लिए अच्छी है या खराब है, अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, लेकिन हमेशा ये याद रखना कि अति हर चीज़ की खराब होती है, समझ में आया? जब यही ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव हो जाती है, ठीक है, तब वो एक्सेसिव जो है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करती है और क्लाइमेट चेंज के तौर पर अपन को परेशान करती है। अब ग्लोबल वार्मिंग अगर नहीं होती तो अर्थ के ऊपर लाइफ ही नहीं होती, क्योंकि गर्मी नहीं होती, जितने भी गर्मी आई एस्केप कर गई उसी समय पर, समझ में आया? कुछ भी रुकी नहीं, ठीक है, लेकिन अगर कुछ कुछ गर्मी कुछ टाइम तक आए और कुछ टाइम तक रुके फिर जाए, समझ में आए, तो परमानेंटली जो है अर्थ गर्म रहेगा, समझ में आए? परमानेंटली अर्थ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर गर्म रहेगा, ठीक है, इनफ गर्मी रहेगी जिससे कि लाइफ होगी, लाइफ होगी, आगे एवोल्यूशन होगा, आप और मैं लैपटॉप को देख के मोबाइल को देख के पढ़ रहे होंगे, समझ में आए? ठीक है, फिर देखते हैं। वंस लिथोस्फियर इज हीटेड अप, इट इन टर्न हीट्स अप एटमोसफेयर। तो ये इन टर्न जो है एटमोसफेयर को हीट अप करता है। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या इंसोलेशन एटमोसफेयर को हीट अप करती है, करती है, लेकिन इंसोलेशन जितना करती है उससे ज़्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो करती है, जो कहाँ से निकल रही है, सरफेस ऑफ अर्थ से निकल रही है। और ये जो एटमोसफेयर को हीट अप हो रहा है, ये एटमोसफेयर का हीट अप जो है वो कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने बीरबल की खिचड़ी और नॉर्मल लैप्स रेट और वो सब कुछ देखा, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा कि भाई टेम्परेचर जो है वो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं कम हो रहा है। तो मैंने तो बताया टेम्परेचर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, लेकिन सरफेस के ऊपर से तो बढ़ रहा है ना, देखो यहाँ से बढ़ा है, समझ में आया? फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका वही मतलब है कि अगर इसको डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रखेंगे, इस बर्तन को डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रखेंगे तो बहुत गर्म रहेगा, यहाँ पर डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर है, जितना जैसे जैसे ऊपर आप खिसकाते जाओगे उतनी कम गर्मी पहुँचती जाएगी, समझ में आया? ठीक है, तो डैट इज नथिंग बट नॉर्मल लैप्स रेट। यही नॉर्मल लैप्स रेट कहाँ पर काम कर रही है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर काम कर रही है और मीजोस्फेयर के अंदर काम कर रही है, क्यों स्ट्राटोस्फेयर के अंदर काम नहीं कर रही है वीडियो में देखो, ठीक है। चलो फिर उसके बाद देखते हैं एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है, ट्रोपो, मीजो, पॉज, ये सब मैंने लगा दिया। नीचे मान लो कि भाई यहाँ पर बर्नर लगा हुआ है, ठीक है, हीट का सोर्स है, तो हीट का सोर्स क्या हो रहा है, नॉर्मल लैप्स रेट हो रही है, समझ में आया?
नेक्स्ट चीज आती है, ये सोर्सेस ऑफ हीट क्या है, ये कहाँ से गर्मी अपन को मिल रही है। तो एक तो अपन ने इंसोलेशन देखा, अब ये जो एटमॉस्फियर है ये एग्जैक्टली कहाँ से गर्म हो रहा है। तो मैंने आपको बताया प्राइमरी जो रोल है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का है। किसका है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का है। इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के अंदर भी रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। इन अलग अलग चीज़ों को आप नोट से पढ़ सकते हो, कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है इनके अंदर, ठीक है। कोई वन डे एग्जाम वाला अगर कुछ हो तो उसके अंदर भले ही पूछ सकते हैं, बाकी नहीं पूछेंगे, ठीक है। बस कन्वेक्शन और एडवेक्शन के बीच में डिफरेंस ध्यान होना चाहिए। व्हाट इज कन्वेक्शन? कन्वेक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट वर्टिकली। जब हीट जो है वर्टिकली ट्रांसफर होती है, ठीक है, तो उसे अपन कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है। जब ऊपर जा रही है तो उसे अपन कन्वेक्शन कहते हैं। जब हीट जो है हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, इस जगह से इस जगह ऐसे जा रही है, ठीक है, तो उसे अपन एडवेक्शन कहते हैं। और इसी एडवेक्शन के अंदर अपन ने विंड्स को समझा था, यहाँ पर अपन ने टर्बुलेंस या फिर ड्राफ्ट को समझा था। समझ में आया? टर्बुलेंस वही प्लेन वाली, ठीक है, समझ में आया? इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, ये भी ठीक है। कंडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है जब दो स्टेट ऑफ मैटर हैं और वो डिफरेंट टेम्परेचर के हैं, तो कॉन्टैक्ट की वजह से, छूने की वजह से, एक दूसरे को छूने की वजह से जो जो है टेम्परेचर में चेंज आता है। जैसे कि मान लो कि आपने मैगी यहाँ पे, जैसे बर्नर के ऊपर मैगी का बर्तन रखा है ना, और उस मैगी के बर्तन के अंदर आप कई बार चम्मच भूल जाते हो। तो जब चम्मच भूल जाते हो तो क्या चम्मच हीटअप हो रहा है, मतलब डायरेक्ट हीट के ऊपर है? नहीं है, फिर भी चम्मच गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि बर्तन गर्म हो रहा है, और बर्तन और चम्मच ये दोनों जुड़े हुए हैं, मतलब टच है, कॉन्टैक्ट में। समझ में आया? रेडिएशन का मतलब होता है वाइब्रेशन से, अंदर से ही गर्म होता है, ठीक है, कुछ भी खास नहीं है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? वाई डिफरेंट हीट एट डिफरेंट प्लेसेस, क्यों अलग अलग प्लेसेस के ऊपर अलग अलग अपन को हीट मिलती है? तो इसके ये मल्टीपल अलग अलग कारण है। समझ में आया? प्राइमरी जो अगर आप वन लाइन में कहो तो एज इंसोलेशन रीचिंग डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट इज डिफरेंट। समझ में आया? तो इंसोलेशन भी अलग अलग जगह अलग अलग मात्रा में पहुंच रही है। अब मात्रा में क्यों पहुंच रही है, उसका पहला रीजन है शेप ऑफ अर्थ। क्या है? शेप ऑफ अर्थ। अंडरस्टैंड, बचपन से अपन ने समझा था कि जो सन है, ये सन की रेज कुछ ऐसे आती है, और चूंकि अर्थ यहाँ पर है, जिसकी वजह से बीच में तो सन की रेज सीधी पड़ती है, जो साइड में है वहां पर, जो ऊपर और नीचे की तरफ पोल वाला जो रीजन है, वहां पर साइड वेज या फिर स्लांटिंग रेज पड़ रही है ना। और इस स्लांटिंग रेज की वजह से क्या होता है, कंसेंट्रेशन तो जो है वो कम होता है लेकिन एरिया लार्ज होता है। समझ में आया? ठीक है, इसके अंदर ज्यादा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आप इतना सा समझो कि अगर एक बीम को मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा आपके ऊपर डायरेक्टली फोकस करूं तो वो आपको बहुत ज्यादा हिट करने वाली है, बजाय अगर मैग्नीफाइंग ग्लास हटा दूं तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। समझ में आया? ठीक है, और वहीं जो है कंसंट्रेशन, ठीक है, सॉरी, इसके अंदर कम है और यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो शेप ऑफ अर्थ के अंदर क्या होता है, जैसे कि इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस जगह पर कम है। क्यों काम का है ये सब फालतू चीजें अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाद में आएगा आईटीसीजी, और बाद में आएंगे अलग अलग ग्लोबल वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स। जब वो अलग अलग वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स काम में आएंगे तब अपन को समझ में आएगा क्यों सनलाइट इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर अस बट ऑल्सो फॉर रेन, फॉर प्लांट्स, फॉर एनिमल्स एंड फॉर टेरिस्ट्री, वो टेरिटरी वगैरह जो भी वहाँ का जो भी लोकल, ठीक है, लैंड फॉर्म्स है, उन सभी चीजों के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज आती है टिल्ट ऑफ द अर्थ। अब इस टिल्ट ऑफ द अर्थ से ही रेवोल्यूशन और रोटेशन भी अपन आगे बढ़ेंगे, तो रेवोल्यूशन एंड रोटेशन ये दोनों ही चीजें इससे जुड़ी हुई है। टिल्ट ऑफ द अर्थ की अगर अपन बात करें तो टिल्ट ऑफ द अर्थ डिटरमाइन करता है कि लेंथ ऑफ डे कितना होगा। इसको समझना, टिल्ट ऑफ द अर्थ, यहाँ पे अपन ने अर्थ साइंसेज वगैरह पढ़े थे, तो उस अर्थ साइंसेज के अंदर अपन ने देखा था कि लेंथ ऑफ द डे कितना होगा। जितना लेंथ ऑफ द डे होगा उतनी ही अपन को सनलाइट भी मिलेगी ना, उतने ड्यूरेशन की सनलाइट मिलेगी। एग्जाम्पल, ये जो बीरबल की खिचड़ी देखी थी अपन ने, ठीक है, उस बीरबल की खिचड़ी को ले लो, चलो, वो जो बीरबल की खिचड़ी अपन ने देखी थी, तो उस बीरबल की खिचड़ी के अंदर अगर आपने फ्लेम के ऊपर इस पतीले को मान लो कि भाई 10 मिनट तक रखा, तो 10 मिनट तक रखने के बाद वो कितना पकेगा, और अगर आपने उसको 100 मिनट तक रखा तो वो कितना पकेगा, इन दोनों के अंदर रात दिन का अंतर होता है। समझ में आया? इसी तरीके से कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर जो है दिन लंबा है, ठीक है, दिन कैसा है, दिन लंबा है, और लंबे दिन की वजह से वहां पे सनलाइट भी ज्यादा मिल रही है, और सनलाइट ज्यादा मिलने की वजह से हीट ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। और इस हीट का बाद में अपन कहाँ यूज करेंगे, जो सारे के सारे आईटीसीजी हो गया, क्लाइमेट हो गया, ठीक है, उन सारी चीजों के अंदर यूज करेंगे। थर्ड आता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन की अगर अपन बात करें तो चूंकि डिफरेंट हेमिस्फीयर हैं, वो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग टिल्ट में होते हैं। समझ में आया? ठीक है,
यहाँ देखो, चूंकि डिफरेंट हेमिस्फेयर्स हैं और वो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग टिल्ट में होते हैं, कभी यहाँ है कभी यहाँ है, तो उस सिनेरियो के अंदर क्या होगा? उस सिनेरियो के अंदर भी आप समझो कि जब यहाँ पर है तब इतना इसको हीट मिल रही है, समझ में आया? ठीक है, जब ये तो चलो इक्विनॉक्सेस है, इनको अभी इग्नोर करेंगे, है ना? जब दिसंबर के अंदर है तो नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर क्या होता है? वहां पर तो जो है ठंड होती है, हीट कम मिलती है, वहीं सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर गर्मियाँ होती है, हीट ज़्यादा मिलती है, समझ में आया? ठीक है, सेम चीज़ है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट चीज आती है, एज डिफरेंट हेमिस्फेयर्स वगैरह, ये मैंने आपको बता दिया। एपीहीलियन और पेरीहीलियन का कंसेप्ट भी रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। एपीहीलियन और पेरीहीलियन के कंसेप्ट के बारे में भी अपन ने पहले बेसिक एक आइडिया ले चुके हैं। एपीहीलियन का क्या मतलब होता है? जब अर्थ जो है सन के क्लोजेस्ट, सॉरी सन से फार, हाँ बिल्कुल सही जवाब, जब अर्थ जो है सन के क्लोजेस्ट होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन एपीहीलियन कहते हैं, और जब अर्थ जो है सन से फार्देस्ट होता है तो उसे अपन पेरिहीलियन कहते हैं। ठीक है, नहीं गलत बताया, ये दोनों एपीहीलियन और पेरिहीलियन बहुत ज्यादा थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जुलाई है, एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, जुलाई है, जुलाई के अंदर अपन क्लोजेस्ट होंगे, अगेन फार्देस्ट होंगे, ठीक है लिख देते हैं यहाँ पर, जुलाई के अंदर अपन फार्देस्ट होंगे, और पेरिहीलियन जो है जनवरी में है तो यहाँ पर अपन क्लोजेस्ट होंगे। कैसे याद रखना है? जब ठंड है तब अपन पास में, जब गर्मी है तब दूर है, समझ में आया? ठीक है, ऐसे याद रखना है, यही ट्रिक है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? जब पास में है तब भी जो है गर्मी होनी चाहिए, ठंड कैसे? तो उसका रीज़न अपन ने पहले वैसे डिस्कस करा, और इसका इतना कोई बहुत ज़्यादा वो फ़र्क पड़ता नहीं है, एक 152 है और दूसरा 147 148 के करीब है, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? नेक्स्ट रोटेशन ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिग्रेशन ऑफ लैंड आता है। इस पर आने से पहले एक बार फटाफट से रिविजन करेंगे क्या क्या अभी तक पढ़ लिया। ठीक है, सबसे पहले अपन ने एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट देखे। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट के अंदर अपन ने जो है वेदर और क्लाइमेट दोनों की डेफिनेशन देखी। व्हाट इज वेदर? वेदर इज एवर चेंजिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज एवरेज कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ रीजन, समझ में आया? ठीक है, मिनिमम विद अ मिनिमम ऑफ 35 to 50 ईयर्स, समझ में आया? फिर अपन ने एलिमेंट्स देखे। एलिमेंट्स के अंदर अपन ने क्या समझा? एलिमेंट्स के अंदर अपन ने समझा सबसे पहले हीट होगी, हीट से क्या चीज़ होगी? टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर से क्या होगा? प्रेशर होगा, प्रेशर से क्या चीज़ होने वाली है? विंड होने वाली है, विंड से क्या होगा? क्लाउड्स होंगे, क्लाउड से क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगी, और यही चीजें क्या है? वेदर एंड क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं, समझ में आया? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज है हीट। हीट के अपन ने सोर्सेस देखे, हीट के क्या क्या सोर्सेस देखे? जो प्राइमरी सोर्स है हीट का, डैट इज सन, ठीक है, और ये जो प्राइमरी सोर्स है ये भी कैसे हीट को जो है ला रहा है, ठीक है, अर्थ के ऊपर, तो इंफ्रा रेड वेव्स के फॉर्म में ला रहा है, और उसी को अपन कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन या फिर इंसुलेशन। नेक्स्ट चीज अपन ने देखी कि भाई इंसुलेशन का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? लैंगली होता है। हाउ मच लैंगली डू वी रिसीव? वी रिसीव 1.95 लैंगलीज पर मिनट, समझ में आया? रेडिएशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन ने फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ समझी थी। जिस चीज के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है उसके अंदर ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और कम वेवलेंथ होगी, दोनों का जो है रिलेशन भी अपन को समझ में आ गया है। नेक्स्ट चीज अपन ने क्या देखी थी? हीट एंड इंसुलेशन के अंदर ही प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। इस प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर अपन ने क्या समझा कि जो शॉर्टर वेवलेंथ की इंसुलेशन है वो आती है, और वो लॉन्गर वेवलेंथ की जो अपनी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है चूंकि वो बाहर नहीं जा पाती है, इसीलिए अपन को क्या देखने को मिलता है? ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, समझ में आया? ठीक है, प्राइमरी कॉज क्या है? प्राइमरी कॉज क्या देखा अपन ने? अपना जो एटमॉस्फेयर है उसके हीटिंग अप का प्राइमरी कॉज देखा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और जो तरीके देखे डैट वर दोज वर रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन के अंदर प्राइमरी अपन ने फर्क देखा कि जो कन्वेक्शन है वो वर्टिकली हीट को ट्रांसफर करता है, और जो एडवेक्शन है वो हॉरिजॉन्टली हीट को ट्रांसफर करता है, और इसी हॉरिजॉन्टल हीट ऑफ ट्रांसफर को अपन विंड या फिर हवा कहते हैं, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट चीज अपन ने समझी कि आज क्यों अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग गर्मी होती है, तो वहां पे अपन ने समझा चूंकि इंसुलेशन भी अलग अलग पड़ता है। इस इंसुलेशन के अंदर अपन ने शेप ऑफ द अर्थ का रोल देखा, शेप ऑफ द अर्थ के अलावा टिल्ट ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन, एंड अब अपन देखते हैं रोटेशन का रोल। अगर रोटेशन की बात करें, बहुत सिंपल सी बात है, डे एंड नाइट का सीन है।
देखो ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर यहाँ पर इसे अपन कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना, पढ़ा है। इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के ऊपर लेट से यहाँ पर सन है, ठीक है, और इधर से रेज आ रही है। अब इस तरफ क्या होगा, इस तरफ धूप होगी और इस तरफ जो है छाव होगी या फिर रात होगी, है ना। इस तरफ तो दिन है और इस तरफ रात है। अब सिंपल सी बात है, जिस तरफ दिन है उस तरफ गर्मी पड़ रही है, जिस तरफ नहीं है उस तरफ नहीं पड़ रही है, समझ में आया, ठीक है। तो दैट इज द रोल ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोसफेयर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोसफेयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये काफी जो साइक्लोन वगैरह उन सब के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसको आराम से समझना। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोसफेयर का मतलब होता है एटमोसफेयर के अंदर कितने ज्यादा क्लाउड्स वगैरह हैं, और सिर्फ क्लाउड्स ही नहीं बल्कि जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो भी कितने ज्यादा हैं। क्योंकि अगर क्लाउड्स होंगे तो ज्यादातर इंसुलेशन जो ऊपर से आएगी वो इसे वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, समझ में आया, और नीचे नहीं जाने देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा घने बादल हो जाते हैं, तो धूप के अंदर भी मतलब दिन के अंदर भी अपन को ऐसा लगता है कि भाई रात तो नहीं आ गई, कई बार ऐसा सिचुएशन होता है ना। वहीं डस्ट पार्टिकल्स भी ऐसा ही एक रोल प्ले करते हैं, फुल धूप के अंदर फुल दिन के अंदर भी अपन को कई बार ऐसा लगता है ऐसे शाम या डॉन या डस्क टाइप का सिनेरियो लगता है, समझ में आया। तो क्यों लगता है, क्योंकि एटमोसफेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल ज्यादा होते हैं। अब इससे अपनों को क्या लेना देना है, देखो समझना, जिस जगह पे ज्यादा इंसुलेशन पड़ने वाला है उसी जगह के वेदर फिनोमिनाज उसी के रिगार्डिंग जो है फिर काम करेंगे। अगर यहाँ पे ज्यादा बादल हुए, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हुए, तो इंसुलेशन जो है वो नहीं पड़ेगा, समझ में आया, इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या चीज है, और यही एक कारण है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यही एक कारण है कि कॉन्टिनेंट्स के अंदर इंसुलेशन ज्यादा होता है देन ओशियंस, और इसी वजह से अपन बाद में जो है कॉन्टिनेंटैलिटी और मैरीटाइम इफेक्ट को भी देखेंगे। ऑल दो उसके कुछ और भी रीजंस है, ठीक है, लेकिन कॉन्टिनेंटैलिटी और मैरीटाइम इफेक्ट के अंदर एक प्राइमरी रीजंस ये भी है, चूंकि यहाँ पर जैसे ये मान लो कि भाई ये अपना जो है कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इस तरफ ओशियन है, तो ओशियन के अंदर क्या चीज है, ओशियन के अंदर पानी ज्यादा है। अगर पानी ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा, पानी ज्यादा के अंदर बादल ज्यादा बनेंगे, और अगर बादल ज्यादा बनेंगे तो क्या इंसुलेशन ज्यादा आएगा, नहीं आएगा। वहीं जमीन के ऊपर क्या ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इंसुलेशन ज्यादा आएगा, गर्मी ज्यादा होगी, एंड दिस इज नथिंग बट कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट। और जो पानी के अंदर हो रहा है उसे अपन कहेंगे मैरीटाइम इफेक्ट, ठीक है। एकदम रफ डेफिनेशन दी है, ऑल्दो रियल डेफिनेशन थोड़ी अलग है, ठीक है, अभी उसके अंदर नहीं उतर रहा है। सिक्स्थ है कॉन्फिग्रेशन ऑफ लैंड। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्फिग्रेशन ऑफ लैंड, अब इसको इस तरीके से समझना, ठीक है, ये वैसे समझना मुश्किल है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये 2D के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पर जैसे आप इसको कहीं से कहीं ना कहीं इमेजिन करना, लेट से कि ये एक पहाड़ है, ठीक है, और इस पहाड़ के ऊपर आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और सन जो है अर्थ साइंसेस वगैरह के अंदर अपन ने पढ़ा था बेसिक की भी सन जो है वो सन जैसे यहाँ से ऐसे राइज करता है, ऐसे आगे ऐसे ऐसे आगे जाता है और यहाँ पर कहीं पर सेट कर जाता है। और मान लो कि भाई सन बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं उठता है और वो एकदम ओवरहेड नहीं आता है, चूंकि वो ओवरहेड नहीं आता है, ये पहाड़ भी बहुत ऊंचा है, तो इस पहाड़ के इस तरफ गर्मी जो है वो बहुत कम होती है ना। और कई बार ऐसे आपने पहाड़ देखे भी होंगे जो एक तरफ से तो बहुत हरे भरे होते हैं, दूसरी तरफ से एकदम बंजर होते हैं, तो उनका रीज़न क्या है, उनका रीज़न यही है, समझ में आया, ठीक है। तो इसे अपन बोलते हैं आस्पेक्ट इफेक्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, आस्पेक्ट इफेक्ट, ठीक है। तो कॉन्फिग्रेशन ऑफ लैंड या फिर आस्पेक्ट इफेक्ट। नेक्स्ट हीटिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, इसके अंदर समझने जैसा कुछ भी नहीं है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड इंसुलेशन के बारे में, इंसुलेशन की चूंकि जो है एनर्जी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी, इसीलिए जो ये है ड्रिल थ्रू कर पाएगा एटमोसफेयर के अंदर, है ना, और ये ड्रिल थ्रू नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसे ग्रीन हाउस गैसेस रोक लेंगी। क्या रोक लेंगी, ग्रीन हाउस गैसेस रोक लेंगी, किसे रोक लेंगी, जो हायर बिगर वेवलेंथ की क्या है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसे रोक लेगी, समझ में आया। और इसी को अपन ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग अगर एक हद तक हो तो बढ़िया बात है, अगर उससे ज़्यादा हो तो खराब बात है, और उसी चीज़ से क्या बनता है, क्लाइमेट चेंज बनता है, समझ में आया। हेंस हायर द ग्रीन हाउस गैसेज हायर द ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग विल बी, देयर फोर मोर द क्लाइमेट चेंज वुड बी, समझ में आया, ठीक है। इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन जो है वो एक हद से ज़्यादा अगर होता है तो अपने लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होता है, अगर ग्रीन हाउस गैसेस लिमिट में रहे तो अपने लिए फायदेमंद है, समझ में आया, ठीक है, क्यों ऐसा होगा, चलो इसको भी समझते हैं। लेट से कि भाई ये ग्रीन हाउस गैस है, इतनी है ना, यहाँ से खूब सारी इनकमिंग सोलर रेडिएशन आई, फिर यहाँ से जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन गई, अब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रोक लिया, वापस यहाँ पर भेज दिया, फिर अपन ने वापस से जो है दम लगाकर इधर भेजा, तो लेट से इतनी सी थोड़ी सी निकल गई, तो
तो थोड़ी गर्मी बाहर निकल गई, थोड़ी गर्मी कम हो गई, है ना। वहीं पे मान लो अगर ग्रीन हाउस गैस जो है वो इतनी ज़्यादा होती, अगर इतनी ज़्यादा होती तो आपको जो है 10, 20, 25 बार कोशिश करनी पड़ती, फिर जाके गर्मी कम होती, समझ में आया। ठीक है, तो दिस वुड बी अ लॉन्गर प्रोसेस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। हीट बजट ये लास्ट चीज़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हीट बजट की अगर अपन बात करें, यहाँ पर देखो हीट बजट के अंदर क्या है। हीट बजट की अगर अपन बात करें, देखो हीट बजट मैं एकदम सिंपल फॉर्मेट में समझाऊंगा, कोई भी फालतू के डबोसले नहीं बताने वाला हूँ। बुक के अंदर भी काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, और भी जो जो है काफ़ी सारे जो है वो काफ़ी कुछ चीज़ें बताते हैं, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई ये 100 यूनिट इधर से आया, 80 यूनिट इधर गया, 20 यूनिट उधर गया, ठीक है, 36 इधर आया, उतना उधर गया। वो सब अपने कुछ भी काम का नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो यूपीएससी में या फिर मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्स के अंदर, मेजॉरिटी क्या जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें से किसी भी एग्जाम में कभी भी वो ऐसा नहीं पूछेंगे कि भाई अगर 100 यूनिट आया तो बताओ 30 यूनिट इधर गया कि 27 यूनिट उधर गया, समझ में आया। ऐसा कुछ भी फालतू का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो अपन क्या करेंगे, अपन हीट बजट का मतलब समझेंगे, समझ में आया, वो अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हीट बजट को समझने से पहले बजट को समझना इंपॉर्टेंट है। बजट किसका होता है भाई? बजट एक कंट्री का होता है, एक एंटरप्रेन्योर का होता है, एक फैमिली का होता है, एक पर्सन सिंगल इंडिविजुअल का होता है, इन सबका बजट होता है। ऑलराइट, बजट तो होता है। अब लेट से कि अपन किसी कंट्री या किसी एंटरप्रेन्योर या फिर किसी बिजनेसमैन का बजट लेते हैं, अगर उस कंट्री या उस बिजनेसमैन का बजट लेते हैं, ये बजट जो है 3 टाइप का हो सकता है। वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक होगा डेफिसिट बजट, एक होगा सरप्लस बजट और एक होगा बैलेंस्ड बजट। जो डेफिसिट बजट है उसका क्या मतलब हुआ? उसका ये मतलब होगा कि जितना आपको पैसा मिल रहा है आप उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। अगर आप उससे ज़्यादा खर्चा करोगे तो कहाँ से लेकर करोगे? लोन्स लेगो, लोन्स लोगे, है ना। अब ये जो लोन्स लोगे, क्या इसका जो हर्जाना होगा या इसका जो भी इंटरेस्ट वगैरह होगा, इसको जो पे करना होगा, क्या आपको पे करना पड़ेगा? आपकी करंट सरकार को पे करना पड़ेगा? करंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्या उस टाइम के लोगों को पे करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट जो जनरेशन है उसे पे करना पड़ेगा, समझना है, इसे होल्ड करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट के अंदर क्या चीज़ होती है? जैसे दिल्ली गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट अक्सर, मतलब मैं यहाँ पे पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं हो रहा हूँ, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट अक्सर ये जो है बात बोलती रहती है कि हमारा सरप्लस बजट है। सरप्लस बजट होना भी अच्छी बात नहीं है, समझना है। सरप्लस बजट होने का मतलब होता है कि आप काम नहीं कर रहे हो। लेट से आपके पास 100 रुपये आ रहे हैं और आप जो है हर साल उसमें से सिर्फ 70 ही खर्च कर रहे हो, ठीक है, तो बाकी 30 उसको जमा करके, ऐसा तो है नहीं कि भाई इसकी जो है कुछ पूंजी बढ़ जाएगी। इसी चीज़ को अगर आप जो है लोगों के जन कल्याण वगैरह जिस भी चीज़ के लिए लगाओ तो वापस इससे कैपिटल बढ़ेगा ही, समझ में आया, ठीक है, कम नहीं होगा, ठीक है, कैपिटल बढ़ेगा ही। कुछ एक रोड बना दिया, स्कूल बना दी, ठीक है, कुछ भी चीज़ बना दी, समझ में आया। नाउ अंडरस्टैंड दिस, कि अपन को समझ में आया कि जो सरप्लस बजट है जिसके अंदर अपन बचा के रख रहे हैं, और जो डेफिसिट बजट है जिसके अंदर अपन जबरदस्ती मांग मांग के खर्च कर रहे हैं, वो दोनों ही चीजें गलत है। तो क्या चीज सही होगी? सही होगा बैलेंस्ड बजट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये तो अपन ठीक है, अपन इंसान है, ठीक है, नॉर्मल लोग हैं, तो अपन ऐसी सब गलतियां कर सकते हैं, क्या अर्थ ऐसे कुछ चीज कर सकती है? नहीं कर सकती। इसीलिए अर्थ के पास एक परफेक्ट बैलेंस्ड बजट है, समझ में आया। ऑल्दो उस बैलेंस बजट की एस तैस अपन करते रहते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करके, ठीक है, जिसे अपन ने पिछले पार्ट के अंदर आराम से समझ लिया, लेकिन ये जो हीट बजट है ये कैसा है? वैसे मतलब जो है परफेक्ट है, बैलेंस्ड है, समझना। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि अर्थ जो है वो मेंटेन करती है हीट को एट अ सेट लेवल। एट विच लेवल? एट अ सेट लेवल, एक सेट लेवल के ऊपर, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर हीट को मेंटेन करती है, ताकि लाइफ आप और मैं जो है वो अर्थ के ऊपर रह सकें, और जो है अर्थ एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, समझ में आया, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है उसी को अपन हीट बजट कहते हैं। अब ये जो हीट बजट है ये कैसे मेंटेन कर रही है, समझ में आया, ये मेंटेन कर रही है कि जितना अमाउंट ऑफ इंसुलेशन आ रहा है, ठीक है, उतना ही अमाउंट ऑफ टेरिस्ट्रियल रेडिएशन वापस आसमान में भेज देती है, स्पेस में भेज देती है। इतना इंसुलेशन आया, लेट से 100 यूनिट्स का इंसुलेशन आया, अब पूरा जब आप हीट बजट वगैरह देखोगे एनसीईआरटी से, तब आपको समझ में आएगा कि वापस जो टेरिस्ट्रियल रेडिएशन जा रहा है वो भी 100 यूनिट्स का ही जा रहा है, समझ में आया। तो जो है बैलेंस मेंटेन हो जाता है। अब इसका तो ये मतलब हुआ कि भाई यहाँ से अपन ने जो है पानी डाला और यहाँ से निकाल लिया,
तो बीच में तो कुछ पानी बचेगा ही नहीं, बीच में तो कुछ हीट बचेगी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो है जिस क्वांटिटी से यहाँ पर पानी आ रहा है और जिस क्वांटिटी से यहाँ पर पानी निकल रहा है, उन दोनों के अंदर रात दिन का अंतर है। इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा पानी जो है बचा हुआ आपको मिलेगा। समझ में आया? नेक्स्ट आता है एल्बिडो। ये अपना आज का जो है लास्ट कंसेप्ट है। एल्बिडो, व्हाट इज एल्बिडो? एल्बिडो इज नथिंग बट ये जो रेडिएशन अपन ने रिफ्लेक्ट बैक करी है, इसे ही अपन एल्बिडो कहते हैं, उसे ही एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं। अब हर एक सरफेस का अलग अलग एल्बिडो होता है, जैसे कि आइस हो गया, क्लाउड्स हो गए, है ना, उन सब का अलग अलग जो है एल्बिडो होता है। जैसे क्लाउड्स, जो सिरस क्लाउड्स हैं, उनका सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है। ठीक है, जितनी भी रेडिएशन आई, जितनी भी ऊपर से धूप आई, उसको काफ़ी सारी धूप को वापस उसी समय भेज देते हैं, उसी समय रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, तो वो एल्बिडो हो गया। वहीं जैसे कुछ फॉरेस्ट है, ठीक है, तो उन फॉरेस्ट का एल्बिडो बहुत कम होता है। एल्बिडो को क्या इंपॉर्टेंट है? अजीबो गरीब शब्द पढ़ते रहते हैं, एल्बिडो पेल्बिडो, इससे क्या लेना देना है? इसके ऊपर डायरेक्टली यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा कर देखो। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी वैसे क्वेश्चन टॉपिक्स रिपीट भी करते हैं, है ना। अब एक बार फटाफट से रिविजन करेंगे कि क्या क्या अपन ने पढ़ लिया। तो क्या क्या अपन ने पढ़ा भाई? सबसे पहले अपन ने देखा एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, है ना। इस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट के अंदर अपन ने मल्टीपल अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट देखे और अपन ने समझा कि भाई उनका क्या रोल है अलग अलग जो भी फिनोमिनाज आएंगे उनके ऊपर। फिर अपन ने वेदर और क्लाइमेट की डेफिनेशन भी तो पढ़ी थी उससे पहले, वेदर और क्लाइमेट की डेफिनेशन भी देख ली थी। वेदर एंड क्लाइमेट की डेफिनेशन के बाद अपन ने जो पहला एलिमेंट है उसे शुरू करा, विच वॉज हीट। हीट के अंदर अपन ने समझा कि हीट अपन को प्राइमरी कहाँ से मिल रही है, इंसोलेशन या फिर सूरज से मिल रही है। इस ये जो हीट है इसकी यूनिट अपन ने समझी, यूनिट के अलावा अपन ने समझा कि भाई ये जो हीट है अपन को कितनी मिल रही है। फिर अपन ने देखा कि ये जो हीट है किस फॉर्म में मिल रही है। उसके बाद अपन ने समझा कि इस हीट का सोर्स क्या है। ठीक है, तो सोर्स मतलब कि भाई ये जो अपने जो एटमॉस्फेयर है वो भी जो गर्म हो रहा है तो उसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने मल्टीपल अलग अलग सोर्सेज देखे। फिर अपन ने देखा कि ये जो हीट है ये हीटिंग कैसे होती है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, समझ में आया। तो उसके अंदर अपन ने रेडिएशन एडवेक्शन वगैरह वो सारी सारी चीज़ें देख ली, है ना। फिर अपन ने क्या चीज़ देखी बताओ, है ना, ये सब हो गया। हाँ, ये हो गया। ये देखा अपन ने कि क्यों अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग हीट देखने को मिलती है, अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो उसके अंदर अपन ने समझा कि भाई टिल्ट हो गया, रोटेशन हो गया, रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, इन सब का रोल है। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट चीज देखी कि भाई यहाँ पर जो हीट और क्लाइमेट चेंज का क्या रिलेशन है। तो हीट और क्लाइमेट चेंज के अंदर अपन ने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और इंसोलेशन के बीच में फर्क समझा। एक की वेवलेंथ जो है वो बड़ी है, दूसरे की वेवलेंथ छोटी है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या देखी बताओ, हीट बजट। एट लास्ट अपन ने देखा, जैसे हीट बजट के अंदर अपन ने देखा कि अर्थ जो है एक बैलेंस बजट मेंटेन करके रखती है। कैसे ये चीज़ होती है? तो जितना इंसुलेशन आया उतना ही इंसुलेशन वापस उनसा उतना ही टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस चला गया। लास्ट अपन ने एल्बिडो देखा। एल्बिडो का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सरफेस जो है वो कितनी हीट को या फिर कितने इंसुलेशन को, कितनी धूप को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, इसे ही एल्बिडो कहते हैं। आई होप ये लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा हो। इसके अंदर अगर कुछ भी डाउट हो तो अभी लिख दो भाई, जो लाइव देख रहे हैं उनको। ऑल राइट, हू एवर इज वॉचिंग ऑन यूट्यूब, थैंक यू वेरी मच फॉर बींग एट लास्ट। ठीक है, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो चैनल। ठीक है, और अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हो, डाउट्स हो, क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए। ठीक है, एंड थैंक यू।